रुखसाना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई कबाब। सुनते ही आ गया ना मुंह में पानी, तो चलिए वेट किस चीज़ का, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सीख कबाब, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगी कि अगर हमारे पास सीख नहीं है तो किस तरीके से हम आसानी से जो है वो ये कबाब बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 kg के करीब बोनलेस चिकन लिया था और उसको मैंने मिक्सी में डाल के तो इसका कीमा कर लिया है। अगर आपके पास भी चिकन का कीमा बाहर से नहीं मिल रहा तो घर पे आप इस तरह से आसानी से जो है वो बना सकते हैं। तो इसमें हम अब कुछ मसाले जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को जो है वो भी मिक्सी में डाल के तो मैंने इसको बारीक जो है वो पीस लिया है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। और कुछ मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। 1/2 teaspoon इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और थोड़े से हम इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स। और यहाँ पे मैं 2 tablespoon इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। अगर बेसन नहीं तो इसकी जगह पे ब्रेड क्रम्ब भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और अभी हम इसको मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे मसाले को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पे चूंकि मेरे पास चिकन का कीमा है तो इसमें चिकनाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती, तो इसमें मैं 1 tablespoon के करीब इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं तो दूसरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम कबाब तैयार करते हैं। तो अगर सीख नहीं तो आप पेंसिल से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन हम सीख पे भी नहीं, पेंसिल पे नहीं, ऐसे ही जो है वो हम कबाब जो है वो तैयार करते हैं मुट्ठी के साथ। इस तरह से हम जो है वो अपने कबाब तैयार कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, तो इसके ऊपर हम 1 tablespoon के करीब ऑयल लेंगे और ऑयल को हम हल्का सा जो है वो फैला लेते हैं, कि बहुत ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कबाब को सिर्फ हल्का हल्का सा हमने सेकना है। तो अगर सीख पे हम इसको लगाते हैं तो इसको चूल्हे पे हम जो है वो हल्का हल्का सा उसके ऊपर ही हम इसको पका लेंगे, ताकि सीख के ऊपर से कबाब जो हैं वो आसानी के साथ उतर जाएं। तो इसीलिए मैंने आपको ये बहुत ही आसान एक टिप बताया है कि इस तरीके से जो है वो कबाब भी हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। और ये बहुत आसान तरीका है कबाब को बनाने का और सेकने का। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कबाब को इसके अंदर पैन के अंदर सेट कर दिया है। जैसे ही एक साइड से ये हल्के से सिकना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। तो ये देखें एक साइड से इसका कैसा अच्छा गोल्डन कलर जो है वो आ गया है, मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी जैसे ही ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इनको निकाल लेंगे पैन में से। तो अभी यहाँ पर मलाई कबाब की हम ग्रेवी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 प्याले के करीब ऑयल ले लिया है, इसमें 3 बड़े प्याज मैंने जो रफली चॉप कर ली है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, इसको हम हल्का सा जो है वो फ्राई करेंगे। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 8 से 10 बादाम और काजू, इनको भी इसके साथ ही हम रोस्ट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे ये सारे मसाले को हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। और तो ब्लेंडर में डाल के इसका एक अच्छा सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसी ऑयल में हम डालेंगे 2 अदद तेज़पत्ता, यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा, काली मिर्च, 2 पीस मैंने दालचीनी के लिए हैं, हरी इलायची और बड़ी इलायची जो है वो इसमें हम शामिल कर देते हैं। और इसके साथ ही ये जो हमने प्याज का मिक्सचर बना के रखा है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। अभी यहाँ पर इसको हम 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मसाला हमारा थोड़ा सा पकना शुरू हो गया। याद रहे कि मसाले की भुनाई हमने बहुत अच्छे से करनी है। अगर हमें अच्छी ग्रेवी चाहिए है तो इसकी भुनाई जो है वो आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 प्याली के करीब दही और साथ ही इसके अंदर कुछ मसाले हम ऐड कर लेते हैं, ताकि भुनाई के साथ साथ ही जो है वो मसाले भी इसके अंदर जो है वो ऐड हो जाएँ। 1 teaspoon भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 teaspoon धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक और 1/2 teaspoon इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। तो इन तमाम मसाला जात को हम मिक्स कर लेते हैं और अभी हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि दही का जो पानी निकलना है
और वो भी इसमें से निकल आए, और मसाला जो है, जो हमने मसाला जार इसमें डाले हैं, वो भी इसमें अच्छे से मिक्स होना शुरू हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा बहुत अच्छे से जो है वो रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब कि मसाले की भुनाई जो है वो अच्छी हो रही है। ये देखें, यहाँ पे सारे कबाब जो है वो मैंने तैयार कर लिए हैं। कबाब को हम मसाले में जो है वो ऐड कर देते हैं। ये देखते जी, मसाले में जाके कबाब कैसे खूबसूरत लग रहे हैं। तो अभी यहाँ पे 1 से 1.5 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और इसको एक बार चम्मच हिला के तो हम इसको कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, हमारे मज़ेदार मलाई कबाब जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तब आप कहेंगे कि मलाई तो कहीं पे नज़र नहीं आई, तो मलाई कबाब कैसे हुए? अभी हम इसमें ऐड करेंगे मलाई। तो यहाँ पे हम 100 ग्राम के करीब इसमें क्रीम ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। चलिए जी, अब बने हमारे मलाई कबाब। तभी यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी ली है। इसको हम हाथ पे हल्का सा जो है वो मसल लेते हैं, इससे इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही मज़े की होने वाली है। ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो अभी 1 मिनट के लिए हम इसको दोबारा कवर करते हैं ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए, और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। तो अभी इसमें मैं 4 से 5 इसमें हम सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे मैं चूल्हा बिल्कुल बंद कर रही हूँ। तो चलिए जी, इसको डिश आउट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार मलाई कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अगर ये आसान रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो बहुत ही गलत बात है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप मेरी वीडियो से जो है वो मज़ा उठाएँ। दोबारा मिलूँगी आपके साथ इसी तरह एक और रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।